बुरा की माँ, क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही हो? अरे बुरा जी पापा, ये तेरी मम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कुछ नहीं पापा, वो मम्मी ने लिपस्टिक मंगाई थी तो मैं फेवी स्टिक लेके आ गया ना। जुग जुग जियो मेरे लाल, आखिर तूने बोलती बंद कर ही दी। अरे अरे ये लगा लो, ठीक हो जाएगा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मेरा मुँह, इतने देर से कहाँ था नालायक? वो मम्मी बस स्टॉप पे एक आदमी का शो का नोट गुम हो गया था तो ढूंढने में उसकी मदद कर रहा था। दरअसल मैं उस नोट के ऊपर खड़ा था। नालायक, पूरे मोहल्ले में तेरे जैसा आलसी कोई नहीं है। मम्मी, आसमान में ना तारे हजारों होते हैं लेकिन चांद सिर्फ एक होता है। एक पापा, वो शर्मा जी का बेटा बाघ बन गया है। तो? अच्छा, बचपन में जब वो फर्स्ट आता था तो आप कहते थे उसके जैसा बन, आज नहीं कहोगे? चप्पल कहाँ है मेरी? पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो क्या तेरी शादी करवा दूँ? नहीं, मुझे मोटरसाइकिल दिलवा दो। बेटा, भगवान ने दो पैर किस लिए दे रखे हैं? एक किक मारने के लिए और दूसरा गियर डालने के लिए। मैं ये घर छोड़ के जा रही, मैं यहाँ नहीं रह सकती। हाँ हाँ, जान छोड़ो अब। तुम्हारी यही जान कहने की आदत मुझे रोक लेती है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऋषि मुनियों ने कहा है कि पति और पत्नी संसार रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर इसमें से एक भी पहिया खराब हो गया ना तो संसार रूपी ये गाड़ी कभी नहीं चल सकती, कभी नहीं। इसलिए बुद्धिमान लोग साथ में स्टेपनी रखते हैं। ज्यादा मुंह चलाएगा तो 64 के 64 दांत तोड़ दूंगी। पर दांत तो केवल 32 होते हैं ना। मुझे पता था तुम बीच में जरूर बोलोगे, इसीलिए 32 तुम्हारे भी गिन लिए थे। ओह नो। मम्मी, इस बार की दिवाली के पटाखे हम सामने वाली बिल्डिंग से लेंगे। हरामखोर, वो पटाखों की दुकान नहीं, गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल। अच्छा, पापा तो कह रहे थे कि वहाँ एक से बढ़ के एक धासक पटाखे रहते हैं। बेटा, मुझे तेरी मम्मी से तलाक लेना है। पर क्यों पापा? वो बर्तन फेंक फेंक कर मारती है मुझे। अभी से मार रही है या पहले से मारती है? पहले से ही यार। तो इतने साल बाद तलाक क्यों? अब उसका निशाना पक्का हो गया है ना। बेटा ये बताओ, नारी का मतलब क्या होता है? शक्ति। और पुरुष का मतलब? सहन शक्ति। ओह नो। पापा, आपने मम्मी में ऐसा क्या देखा जो उनसे शादी कर दी? उसके काल का ना छोटा सा तिल। कमाल है, इतनी छोटी चीज के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। पुरातत्व विभाग वालों को औरत का 2000 साल पुराना जबड़ा मिला है। पर उन्हें कैसे पता कि वो जबड़ा औरत का है? क्योंकि वो अभी भी चल रहा है। ओ, रहने दो, हमारी वो पड़ोसन हर रविवार अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती है, तुमने कभी पूछा? मैंने तो उससे 4-5 बार पूछा था लेकिन वो हमेशा मना कर देती है।